प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर यूट्यूबर और IAS की कोचिंग के लिए मशहूर और जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरिमोहन जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अब तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। तीन लेटर आप लगाते हैं तो ये मामला क्या है? तो वही है, हज पे महिलाएं पुरुषों के साथ जा सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर ममता बनर्जी जो है वो अगर नमाज पढ़ सकती है, सॉरी मैं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा ले जा रहा हूं, लेकिन अब वो अगर नमाज पढ़ सकती है मंदिर के अंदर, वो सॉरी मस्जिद के अंदर जिस तरीके से, और मुस्लिम्स को ममता बनर्जी से प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपसे प्रॉब्लम क्या है दीदी? सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी कि मस्जिद के अंदर जैसे तमाम पुरुष, तमाम मर्द क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, मैं भी क़िबला की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ रही थी। आप इस वीडियो को सही से देखिए, जुबैर ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की थी कि मेरा मुंह क़िबले की तरफ नहीं था, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तो ये इमाम साहब को मर जाना चाहिए था, जिन्होंने मुझे ये अंडरवेयर और चड्डी वाला रूम दिया था। इस रूम में तो इतनी गंद आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी, खाने का झूठा प्लेट रखा हुआ था, पीछे आप देखिए गमछा, अंडरवेयर, चड्डी सब लटका हुआ है, देखिए देखिए बोरा लटका रखा हुआ है, इतनी बदबूदार ये जगह थी, और मैं क़िबले की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ रही थी। हाँ ये जरूर है कि अपने खानदान में, इस भारत में मैं पहली मुसलमान बेटी हूं जिसने मस्जिद में एंटर करके और मर्दों के सफ के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ने की जुर्रत की है, तो इसलिए जुबैर के साथ साथ जितने भी जुबैर के चुन्नू मुन्नू थे वो मेरे पीछे पड़ गए थे, और इसको ट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की थी, पर मैं ट्रोल हो नहीं पाई। वो चाहते, उन्होंने कोशिश बहुत जबरदस्त की थी, लेकिन जुबैर का तुरुप का इक्का बार बार नुपुर शर्मा के जैसा थोड़ी लग सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो अगर एक आयत पढ़ेगा जुबैर तो मैं 333 आयतें और मीनिंग के साथ पढ़ करके सुनाऊंगी, और वो भी एक भाषा में नहीं, 8 लैंग्वेज में पढ़ के सुनाऊंगी। मेरा तो पर्शियन भी बहुत अच्छा है, मेरा तो बंगाली भी बहुत अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है, फारसी भी अच्छी है, और अरबी तो बहुत ही अच्छी है। तो 8 लैंग्वेजेस में मैं उसको कुरान की आयतें और सूरतें मैं जुबैर को पढ़ करके सुना सकती हूँ, अगर वो एक आयत पढ़ा। अब आती है बात कि मेरे अल कुरान के कई वर्सेस में, कई सूरतों में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर्द और औरत दोनों एक दर्जा रखते हैं। अब आती है दूसरी बात कि कुरान मुझे हर एक उस चीज की इजाजत दे रहा है जो मर्दों को दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान और भारत के मुसलमान अपने इस्लाम के बारे में और अपने फ्लेक्सिबल इस्लाम के बारे में बात करते हैं, उसमें मुसलमान औरतों का दर्जा सिर्फ बिस्तर पर सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करना होता है। अब 1977 से लेकर 1947 से लेकर के 2024 तक की मैं बात बता रही हूँ, 77 सालों में मैं पहली मुसलमान औरत हूं जिसने ये जुर्रत की है, जिसने मुसलमान मर्दों के आंख में आंख डाल करके कहा कि भाई मैं तो पढ़ूंगी, मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो अल्लाह मेरा भी है, अल्लाह सिर्फ मुसलमान मर्दों का नहीं। अब आती है बात कि सबसे पहले एक्सक्यूज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या दिया गया था, जब एक मुसलमान लड़की द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची थी कि वो भी मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ेगी। देखिए रेफरेंस होगा मेरे पिटिशन में जो मैंने इमाम साहब को भेजा है, उसमें उसने कहा था कि मैं भी नमाज पढ़ूंगी मर्दों की तरह सफ पे खड़े होकर के, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक्सक्यूज दिया था, और जो हमेशा से खुतबा के दौरान, मजलिस के दौरान, जुलूस के दौरान, इस्लामिक प्रीच के दौरान सारे मुसलमान धर्म के ठेकेदार ये बताते आए हैं कि औरतें अगर साथ में नमाज पढ़ेंगी तो उनका वजू टूट जाएगा, उनके आंखों का जो बेशर्मी है वो उबल उबल करके बाहर आ जाएगा, वो मुसलमान औरतें अगर रुकू में झुकेंगी तो
तो वो उसका पिछाड़ देखने लगेगा, अगर तहलीमा बांधेंगी तो अगाड़ देखने लगेगा। यही एक्सक्यूज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और सारे के सारे पाकिस्तान से लेकर के भारत के इस्लामिक प्रेचर से लेकर के अवेसी ने दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुसलमान मर्दों के बेहुदा नजरों का के बलि हम क्यों चढ़े? मुसलमान मर्दों की बेशर्मी और बेहूदगी और अश्लीलता के नंगा नाच का हम क्यों बलि चढ़ेंगे? क्या अल्लाह का घर हमारे लिए नहीं है? अल्लाह का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला है? जब मर्द भी उसी कब्रिस्तान में दफन होता है जिसमें औरत होती है और औरत भी उसी मिट्टी में दफनाई जाती है मुसलमान जिसमें मर्द दफनाया जाता है, तो मस्जिद जिसमें मर्द जाता है उसमें औरत काहे नहीं जा सकती है? अब मैं देती हूँ जिंदा मिसाल। यही पाकिस्तान और भारत के मुसलमान मर्द जब मक्का मुआजमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं और अपने 5 अरकान के सबसे अफजल अरकान उमरा और हज करते हैं, तो तवाफ के वक्त में औरत और मर्द दोनों साथ में होते हैं, नमाज साथ में पढ़ते हैं मक्का के अंदर, वजू साथ में करते हैं, इफ्तारी साथ में करते हैं, कुर्बानी साथ में करते हैं, तहलीमा साथ में बांधते हैं, रुकू में साथ में झुकते हैं, सिजदा साथ में करते हैं। तो जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है भारत और पाकिस्तान में, वैसे ही अल कुरान चेंज हो जाता है क्या? इस्लाम चेंज हो जाता है क्या? अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ मुसलमान मर्दों के हो जाते हैं क्या? मुसलमान औरतों के नहीं रह जाते हैं क्या? तो ये मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ी बात जो थी इस्लाम की वो मैंने कह दी कि किस तरह से मुसलमान औरतों के साथ पार्शियलिटी रखी गई है पिछले 77 साल से रखी गई है। और 1450 साल में मैं पहली भारत की औरत हूँ जिसने इस्लाम की शुरुआत से लेकर के अब तक मैं पहली बार मस्जिद में जाकर के, वो भी टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में जाकर के, रमजान के दूसरे जुमा की मैंने नमाज अदा की है और सफ में खड़े होकर के चड्डी और अंडरवियर के रूम में मैंने नमाज अदा की। अब आती है दूसरी बात कि यही पश्चिम बंगाल के इमाम मौलाना खारी मुफ्ती मुअज्जिन ब्राह्मण घर की औरत श्रीमती ममता बैनर्जी के लिए ईद की नमाज में उनको बुला करके उनके कदमों पे बिछ जाते हैं, उनका चप्पल मुंह से उठा लेते हैं और हजारों कैमरा उनकी तस्वीरें लेता है और उनकी प्रोवोकेटिव हेटरेट और पॉलिटिकल स्पीच सुनता है। इवन जिस जिसको मेरे ऊपर टिप्पणियां करनी है या मुझे ट्रोल करना है कि नाजिया मस्जिद गई थी कैमरा लेके गई थी, तो काहे ममता बनर्जी कैमरा लेकर जाती है? काहे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में नमाज पढ़ाता तो वो वायरल हुआ? कैसे वायरल हुआ? कोई तो था उसका जो कैमरा में शूट कर रहा था? पाकिस्तान का एक क्रिकेटर जाकर के विदेश मुल्क में नमाज पढ़ा था तो वो वायरल कैसे हुआ? जरूर उसने वायरल करवाया। तो अगर ऐसे ऐसे लोग वायरल करवा सकते हैं, असदुद्दीन अवैसी करवा सकता है, तो नाजिया क्यों नहीं करवा सकती है? और अगर नाजिया के कैमरा लेकर जाने से जुबैर को और जुबैर के लफंदर बंदरों को तकलीफ हो रही है, तो ममता बनर्जी का जो कैमरा लेकर जाएगी अभी 11 तारीख को ईद की नमाज को, तोड़ो आकर के। दूसरी बार जब भारत के इस्लाम धर्म के इस्लाम मजहब के ठेकेदारों ने ये बता दिया कि भाई कोई भी महिला ईद किसी भी नमाज में शिरकत नहीं दे सकती है, नहीं तो उनका मन मचल जाएगा और वो रेप कर डालेंगे, तो भाई श्रीमती ममता बनर्जी भी तो महिला हैं, उनको काहे आने देते हो? उनका पॉलिटिकल भाषण काहे करने देते हो? उनके मुंह से ईद की नमाज में 30 रोजा रखने के बाद एक ईद मिलती है हम लोगों को जिसमें हम खुशियां बांटते हैं, जिसमें हम अच्छी बातें करते हैं। और कुरान ने कहा हुआ है कि ईद की नमाज में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर, और कुरान बताता है कि ईद की नमाज सलात इतना अफजल है कि उस वक्त किसी भी नफरत की बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और जायज नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने कट्टरपंथियों और जिहादियों को चैलेंज किया कि वो मस्जिद में जाएंगी और नमाज पढ़ेंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले महीने भी नाजिया लाई खान जी मस्जिद गई थी और वो हिंदुस्तान की पहली महिला बनी थी जिन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी थी। हम तो सैल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी को। और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी ने मजहब के जो ठेकेदार हैं जैसे ओवैसी जैसे उनको आड़े हाथों लिया और उनको जमकर लताड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।